हाँ जी हसन, कैसे हो? क्या बात करेंगे आप? जी कैसे सब लोग ठीक है। हाँ जी जबरदस्त, क्या बात करेंगे आप? जी भाई मैं आपसे मेरे ख्याल से 2 दिन पहले बात हो चुकी थी, तो अगर आपने इसी तरह हम जरा मुझे म्यूट करेंगे तो या मेरे बोलने के टाइम में आप थोड़ा यानी शोर मचा आप देंगे तो अगर फिर मुझे आपकी कंप्लेन करेंगे तो फिर बात कैसे हो? नहीं, मैं जरा थोड़ा सा आपने देखें दोस्ताना उस दिन एहतराम कर ऐसी रहा हूँ। बातें की थी जो बहुत पुरानी बातें हैं, जी ठीक जी है? जी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, कोई एक भी ऐसा नहीं था कि जो इस चैनल पे 10 बार नहीं हो चुका, ठीक है? और आप बिल्कुल आए थे काफी एंड की तरफ, तो हमारे पास भी टाइम फिर कम होता ना, ठीक है? हाँ, हम ये चाहते इसी हैं टाइम टाइम पर। ज़्यादा ना हो। जी। अच्छा मैं मेरे भैया पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, इतने आपने इतना जो पैनल बनाया हुआ है, चैनल भी आपका यानी काफी अरसे से, तो ये आपका जो लाइव जो सेशन आप चलाते हैं इस चीज का और आपका इस जो जिस टॉक कर रहे हैं इस यानी मौजू पर, इसका मेन मकसद क्या है? क्योंकि हर बंदा यानी देखिए, हम अगर मुसलमान कुछ करते हैं और मौलवी चढ़ाते हैं यूट्यूब पर, या वो पैसों के लिए, या वो समझ लें आप अल्लाह ताला से कुछ सवाब के लिए, अंदर एक पीछे एक कुछ चीज़ होती है जिसके लिए बंदा ये काम करता है। ईसाई होंगे वो अपने खुदा के लिए वो समझ रहे हैं उसके लिए वो करेंगे, या यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए, या कोई भी मजहब कर लें वो इसलिए ये काम करते हैं ताकि उनको कुछ हासिल हो, या सवाब या पैसा। तो ये आप लोगों का जो सेशन चलाने का जो मकसद है, यानी ये इतनी लंबी टॉक होती है, इतने मामलों पर डिस्कशन होती है वगैरह वगैरह, किसी पर तान होती है, किसी की आप तारीफ करते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि सोसाइटी में अस्पताल क्यों बनाए जाते हैं? इंसानियत के फायदे के लिए बनाए जाते हैं या के सवाब और मनी मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए बनाए जाते हैं? तो इस चैनल का मकसद भी इंसानियत का फायदा है, ना कि कोई मॉनेटरी बेनिफिट या ना कोई सवाब का कोई ताल्लुक। आप अगला सवाल करें। हम ठीक है, आपका ये जवाब चले जवाब आ गया ठीक, लेकिन मैं थोड़ा इससे इतफाक नहीं करता, लेकिन मैं इस पर बात नहीं करूंगा। आप ना करें, आपको फुल ये राइट है, आप दोस्ताना ना करें। ना, देखिए ये दोस्ताना की बात कर रहा हूँ सर, सर मैं अगर इतफाक एक नहीं मैं करता छोटा सा कुछ लोग करते भी पॉइंट होंगे। सर एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करूंगा। आपने हमसे हमारा मकसद पूछा, तो आप थोड़ी उससे इत्तेफाक रख सकते हैं। वो तो हमारा मकसद है ना, आप थोड़ी बताएंगे कि हमारा मकसद सही है या गलत जी बिल्कुल, ये मेरा दोस्ताना दरअसल श्री आई एम सॉरी। ठीक ठीक बाकी मेरा जो दूसरा सवाल है वो मेरे भाई लोग ये है कि आप लोग यानी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, या आप समझ लो कुछ भी करते हैं, यानी इस्लाम को या किसी भी रिलीजन को बुरा भला कहते हैं, उनमें से ये निकालते हैं वो निकालते हैं। ठीक है, इस तरह आप 2-3 घंटे पहले मेरे ख्याल से 2 घंटे शायद आप में से कुछ साहब का नाम ही आ रहा, वो कह रहे थे वो तो हो ही नहीं कर रहे थे, यानी हमारे हिसाब से कि वो लड़कियों के पीछे ये कर रहे थे, वो सी के लिए ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो हम रिलीजन को बुरा कह रहे हैं इस बेस पे, क्योंकि हम मैं जिस तरह मेरे गले भाई से पहले बात 2 दिन हुई थी कि हम गॉड को जब नहीं मान रहे तो हम रिलीजन को बुरा कह रहे हैं। बेहतर नहीं कि हम रिलीजन को बुरा बाद में कहें, पहले हम जो गॉड है उस पर हम बात करते रहें। अच्छा, यानी यानी आप हम ये कह रहे लेकिन जी गालिब करें आप। क्योंकि जी मुझे एक बात बताएं कि आपके आपकी जिंदगी में कोई मसला है तो आप उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं या खुदा को इल्जाम देने बैठ जाते हैं? नहीं, जो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो वो खुदा पे बिलीव ही नहीं कर रहे। हाँ ना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर है तो आप खड़े होकर खुदा को गालियां देते रहेंगे या गाड़ी के टायर का कुछ करेंगे? जो खुदा पर बिलीव करेंगे वो खुदा से हेल्प भी मांगेंगे और कोशिश भी तो करेंगे मुझे ताकि गाड़ी ठीक हो जाए। बताइए, आप खुदा से हेल्प मांगते रहेंगे या फिर उसको टायर को ठीक करेंगे? भाई, मैंने 2 वर्ड दिए, हम खुदा मेरी मेरी हेल्प गाड़ी कई मांगेंगे। मर्तबा मेरी गाड़ी कई मर्तबा रोड पे पंक्चर हुई थी और मैं मुसलमान भी था, मैं दुआएं भी मांगता रहा लेकिन अल्लाह मियाँ जैक लेके नीचे नहीं आया। नहीं, वो इस तरह नहीं होता, मैंने ये कह रहा हूँ हम हेल्प भी मुझे मांगेंगे और ट्रिपल मेहनत ए भी को करेंगे। कॉल करनी पड़ी, मुझे जी ट्रिपल ए को कॉल करनी पड़ी। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। हर इंसान के अंदर एक एम्पथी न्यूरॉन होता है जिसका काम होता है कि एक दूसरे के साथ हमदर्दी करना। और आप अगर मुझे कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ आ गया है या मैंने अपने मुशाहदात से कुछ नोट कर लिया है तो मेरा काम है मैं उसको आगे ट्रांसफ़र करूं ताकि पीछे वाली जनरेशन को मैं अगली मंजिल तक पहुंचा सकूं, ठीक है ना? आप
बात ये बार बार कर रहे हैं कि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। फ्रस्ट्रेटेड सारे जो हैं वो हमसे मजहब वाले हैं, क्योंकि हम सच बोलते हैं, ठीक है ना। अब मतलब कि आपकी एक ही जगह पे सुई अड़ी हुई है कि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हैं। पिछली मरतबा भी जब जब आप आए थे तो आपने जी यही बात बार बार की थी कि आप मतलब मजहब को क्यों बुरा कह रहे हैं, मजहब को क्यों बुरा कह रहे हैं। मजहब बुरा है इसलिए हम उसको बुरा कह रहे हैं। देखिए, और बात दूसरा, सीरीज आपने ये जो है कि फ्रस्ट्रेशन की जी बात की, मैं जी एक थोड़ी सी ऐड कर दूं। फ्रस्ट्रेशन की निशानी क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन में आप तोड़ फोड़ करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आप दूसरों को जाके मारते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आप दूसरों को जाके कत्ल करते हैं, आप उनके ऊपर बम धमाके करते हैं। आप मुझे बताइए कि आज हम में से 6 या 7 लोग जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जबकि आपके मजहबी लोग इस तरह की बात सुन के ही पाकिस्तान में या दूसरी दूसरी जगहों पे जाके आग लगानी शुरू कर देंगे, पत्थर मारना शुरू कर देंगे, लोगों को कत्ल करना शुरू कर देंगे। तो हु इज मोर फ्रस्ट्रेटेड देन सेवन ऑफ अस आर सॉरी सेवन अस आर फ्रस्ट्रेटेड और दोज हु आर रिलीजियस पीपल आर दे जी, फ्रस्ट्रेटेड? ये अभी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मैं समझाने की बात ये कर रहा हूँ कि फ्रस्ट्रेशन के भी तरीके होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग इस तरीके पर चल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं बता रहा नहीं तो हूँ फ्रस्ट्रेशन का जिस तरीका ये है कि हम जाएं किसी पेट्रोल पंप को आग लगा दें, फिर नहीं, मैं कह रहा हूँ तरीका क्या यानी फ्रस्ट्रेशन जिस के तरीके क्या होते हैं? यानी आप कह रहे हैं फ्रस्ट्रेशन के तरीके होते हैं, क्या फिर हम जाएं मस्जिदों में गला फाड़ फाड़ के तकरीरें शुरू कर दें? जी मुझे थोड़ा बोलने दीजिए मेरे भाई। मेरे कहने का क्या कोई मतलब ये है मजाक कि बना ये के भी क्या करें, जी बताएं तो सही। जी ये भी एक तरीका हो सकता है फ्रस्ट्रेशन कि की वजह से बंद लोग अपनी बीवियों को भी मारना शुरू कर देते हैं और इस्लाम में इसकी कोई ममानियत नहीं है। हम इस्लाम पर बात कर ही नहीं रहे मेरे भाई। मैंने आपसे पहले दिन से क्या कहा है, हम ना, तो पहले ही आपने ये खुदा पर ही बात कहा, करेंगे। आपने जो मैंने आपसे सवाल पूछा था ना, आप उसका आप जवाब इस्लाम दर्ज पे, करके, ठहरे ना जी भाई, ठहरे आप उससे एक सेकंड, इनको आप इस्लाम पे ना बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बार मेरे बार मैं वजह करता हूँ एक सेकंड एक जी सेकंड आप जी सर जी बार बार वकालत कर रहे हैं रिलीजियंस की, बार बार मजहब की वकालत कर रहे हैं। जब बात इस्लाम पे आती है तो आप कहते हैं मैं इस्लाम फिर की आप बात ही भागना नहीं, शुरू कर देते हैं। मैं नहीं, मेरी इस्लाम की बात बात ही जरूर, नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आप इस बात का जवाब देता हूँ। उस बात का ये जवाब है कि मेरे भाई लोगों, कि जब जब भी हम अपने, आप फर्ज कर लें किसी रिश्तेदार को, आप मदर कर लें, फादर कर लें, बड़ा भाई कर लें, जब आप कहेंगे कि मैं आपको फादर ही नहीं मान रहा, आपको मदर ही नहीं मान रहा, तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? आपको बात समझ आ रही है ना? हम उसकी नहीं बात देखो, तो इसलिए रिजेक्ट मैंने कर रहे आपसे हैं। ये पूछा था, नहीं, आपने मेरे बात का जवाब नहीं दिया। इस बात का जवाब मैं देता हूं, मगर मैंने आपसे पूछा था कि जब गाड़ी पंचर हो जाती है, अल्लाह से दुआएं मांगते हो या टायर खुद ठीक करते हो? जी ठीक है, मैं इस पर जो टॉपिक है ना, इस जो एक आपने सवाल मिनट, किया है, ना ये आपने चीज सवाल बात जी का जवाब दो कि सुनिए हाँ या ना में सुनिए, जवाब दो, टायर ठीक करते हो या अल्लाह से दुआ मांगते हो? मैं जवाब दे लूँ। हाँ ना, हम बताएं ना, आप अल्लाह से दुआ मैं मांगते हो या टायर ठीक करते हो, खुद टायर चेंज सर करते हो? सर बताने लगा हूँ ना, बताने लगा मेरे मेरे भाई, बताने लगा हूँ कि हम जो है, मैं इस बात का जो जवाब है वो अब इस्लामिक तौर से नहीं दूंगा, क्योंकि आप तो इस चीज को मानते नहीं हो। मैं अब लॉजिकली इसका जो सवाल का जो जवाब दे रहा हूँ कि हम दिल में खुदा को भी पुकारेंगे हेल्प करने के लिए, और हाथ से हम काम भी करेंगे, हम दोनों काम करेंगे, क्योंकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है अच्छा, कि आप दिल बाय गॉड में ना हेल्प। पुकारे खुदा, अल्लाह को ना पुकारे तो टायर नहीं तब्दील नहीं, होगा? इसका मतलब है, इसका मतलब इसे ये है कि कैसे आप, एक मिनट गालिब, भाई, एक गालिब, एक प्लीज मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका मतलब ये ये बात है, पूरी लेने दें यार, एक मिनट नहीं ठहर नहीं जाए ना मेरी एक यार। बात मुकम्मल कर लेने दे। इसका मतलब है कि आपका खुदा के ऊपर मुकम्मल 100% यकीन नहीं है कि वो आपकी मदद के लिए आएगा, इसलिए आप अपने हाथ से काम कर रहे हैं। तो क्या अपने आप को आप कहेंगे कि आपका ईमान मुकम्मल है, आपका मैं तो खुदा के ऊपर इस्लामिक बात ही यकीन नहीं ही, कर रहा ना, आपका मैंने खुदा के ऊपर, आपको आपका खुदा के ऊपर यकीन ही मुकम्मल नहीं है, तभी आप अपने हाथ से खुद काम कर रहे हैं। आपको इस मेरे बात पे ब्रदर कहीं ना कहीं शक जी ब्रदर है कि खुदा शायद नहीं है या खुदा आपकी मदद नहीं करेगा, तभी आप अपने हाथ से काम कर रहे हैं ना? आप मानते हैं इस बात को? ब्रदर मैंने कोट नहीं किया कुरान हदीस, वहां भी बहुत जवाब है, लेकिन मैं उस जवाब नहीं दे, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ कि हम अगर खुदा को दिल में पुकार भी रहे हैं और हाथ से नहीं, टायर लगा भी रहे हैं तो कोई इशू नहीं। एक सेकंड देखिए ठहरे जी, एक ठहरे जी, बात ठहरे हर जी, जाए जी, गालिब, बात ना मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट आपकी होती जा बात, रही है। आपकी बात समझ रहा हूँ गालिब, जो आप कहना चाह रहे हैं मैं उसको रिफ्रेश कर देता हूँ। देखें भाई, भाई गालिब ये कहना चाह रहे हैं कि एक काम है, ठीक है, आप ये जी अंदाजा लगाना चाहते हैं, तो लॉजिकली और साइंटिफिकली सोचें कैसे इन्वेस्टिगेट करें कि एक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, मैंने हिसाब लगाना है कि ये ए की वजह से हो रहा है या बी की वजह से हो रहा है। मैं कहता जी हूं सर कि मैं ए और बी दोनों करके देखता हूं,
ठीक है, अकेला जी ए सर, करके देखता हूँ, अकेला हाँ बी करके जी देखता हूँ और ए नहीं करके देखता हूँ, तो किस सूरत में काम होगा? उससे मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा कि काम दरअसल किस वजह से हो रहा है? तो ये वो बात कर रहा है। ए यहाँ पर गॉड से दुआ मांगना है, बी यहाँ जी पर सर, अपने हाथ से बदलना है। आप दुआ मांगे या ना मांगे, बी जब आप जी सर, जैक चेंज टायर तो फिर करेंगे भी तो बदला आपका जाना टायर है। बदला जाएगा। तो इससे आप ये लॉजिकली कंक्लूजन निकालते हैं कि बेसिकली बी अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इफेक्ट। ये बात आपकी हो ये गई। भी ऑप्शन बिल्कुल पसंद है मुझे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ए और बी दोनों को लूंगा। नहीं, तो हाँ ये आपके अगर सामने अगर आपको ये मैंने ऑप्शन आपसे पसंद पूछा भी था आई, जो कि आपको ये ऑप्शन पसंद भी आई, समझ भी आएगी कि असल में इफेक्ट जी बी की वजह से ही हो रहा है, फिर भी और ए और बी आप बिल्कुल करेंगे, इसी को हम इरेशनैलिटी कहते हैं। इस चैनल का मकसद इरेशनैलिटी को कॉल आउट करना और रैशनैलिटी को प्रोपोगेट करना है, क्योंकि नहीं, जब आप आपकी साइड बिल्कुल उसी इफेक्ट बात के की आगे हम बात मैंने करते हैं, आपसे पूछा था कि अगर लेकिन आप अल्लाह से दुआ ना मांगे और टायर चेंज करें तो टायर चेंज हो जाएगा या नहीं? हो हो जाएगा जाएगा। तो फिर एक मेरी जी। बात सुने, आप आगे ना पिछली बार भी यही राग अलापते रहे थे कि पहले खुदा पे बात करते हैं। यार जब आप हमें एक टायर चेंज करने के लिए आपके खुदा की जरूरत नहीं है तो हम उससे आगे चलते हैं ना, फिर हम टायर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अच्छा तो हम यही आपके, हाँ करते हैं, हम इसका आप, टायर चेंज। जी जी एक सेकेंड, चुप चुप, अभी नहीं बोलना, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, हम फिर टायर चेंज करने लग जाते हैं, इस्लाम का टायर जो पंचर है उसे हम बदलने लग जाते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को जी दर्द शुरू हो जाता है कि शायद ट्रैफिक रुक गई है उसकी वजह से, या फिर आपको जी लगता जी है कि यार ये इस्लाम का टायर क्यों चेंज हो रहा है भाई। ठीक है, तो जी भैया इस्लाम का टायर पंक्चर है, उसके लिए हमें अल्लाह से उस टायर को बदलने के लिए या उस टायर को रिपेयर करने के लिए या इस्लाम की गाड़ी को खुले लाइन लगाने के लिए हमें किसी अल्लाह पे बात करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें एक गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए आपके अल्लाह से दुआ मांगने की जरूरत नहीं है। जिस तरह अगर किसी लेकिन आप शख्स अल्लाह का की बात ना एक्सीडेंट करें, हो आप जाए कुरान तो कुरान मत कोट करें, कुरान मत कोट करें, अल्लाह की बात, हम गॉड की बात कोट करें, गॉड। किया। एक मिनट हसन अब्बास, मैंने पिछली बार भी आपको एक बात कही थी कि ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि मेरे चैनल पे क्या बात होगी क्या नहीं होगी। ठीक है, समझ गए हो। पिछली बार भी आपको ये रूल मैंने अच्छे तरीके से बता दिया था, मगर आप आगे बच्चों की तरह जिद करते हो, ये चीज नहीं चलेगी। अगर आपको लगता है कि आप इस्लाम पे नहीं बात करना चाहते तो मैंने आपको बुलाया बात करने के लिए, नहीं बुलाया ना? ठीक है, आपकी मर्जी, आप जा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भी लोग हैं जो यहां पे कर लेते हैं बात। अगर आपको लगता है कि इधर आपके इस्लाम की कोई तोहीन हो जाएगी तो आपको ये बात बुरी लगती है, तो यार फिर अपने पास पेशेंस पैदा करें, फिर आ जाइएगा, कोई बात नहीं, हम इधर ही बैठे हैं, हम तो कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप करते हो इलॉजिकल बातें। जब आप इलॉजिकल बातें करते हो तो हम उनको उनको कॉल आउट करते हैं, हम उन पे बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे थे कि आप इस्लाम पे क्यों तनकीद करते हैं, आपका चैनल का मकसद क्या, फलां ढमकां है। भैया हमारे चैनल का मकसद है आजादी इजहारे राय को तरवीज देना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या करना, प्रमोट करना, क्योंकि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। ठीक है, आप ये समझते हैं कि मौलवी दिन को 5 बार गला फाड़ फाड़ के अपनी बातें कर सकता है, चाहे वो घर में बीमार हो, चाहे कुछ भी हो, वो कर सकता है, चाहे वो आपको हर तरह से तंग कर सकता है, और हम जैसे लोग जरा सी बात भी नहीं कर सकते, सोशल मीडिया के स्पेस में भी नहीं कर सकते। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप लोगों की बुनियाद कितनी कच्ची है, आप लोग कितनी कायरता में रहते हो कि आपको चंद बातों से, जो हमारे जैसे लोग चंद बातें करते हैं उनसे ही बहुत दर्द होने लग जाता है, उससे लगता है कि आपको बड़ा बुरा हो रहा है। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद लोगों को एक दूसरा रास्ता भी दिखाना है। जो आपने जहालत के रास्ते पे पाकिस्तान को चला चला के दहशतगर्दी के जरिए इतने लाखों लोग आपने मार दिए, मुसलमानों ने पाकिस्तान में, मुरहिंदों ने नहीं मारे। ठीक है, आपने पिछले 50 साल में इस मुल्क को दिवालिया कर, 70 साल में इस मुल्क को दिवालिया कर दिया, इस्लामी निजाम और के नाम पे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया रखा, इस्लाम के नाम पे लगाए रखा, जिहाद के नाम पे लगाए रखा, औरतों को ओप्रेस किया, मिनोरिटीज को ओप्रेस किया, क्या कुछ आपने नहीं किया पाकिस्तान के मुल्क के साथ। तो भैया जो कुछ आपने किया है हम तो उसका कोई रिएक्शन नहीं है, हम तो, हमारी तो रेजिस्टेंस एक पीसफुल रेजिस्टेंस है। कैसी रेजिस्टेंस है कि हम जो गलत काम इस्लाम के नाम के ऊपर और एक हत्थे से उखड़ी हुई मजबूत की वजह से पाकिस्तान में हुए, उनके खिलाफ जरा सी जुबान उठानी शुरू करें तो उससे आप जैसे लोगों को दुख होने लग जाता है। तो आप ये याद रखें, ये हमारा मसला नहीं है कि हम बोल रहे हैं और कोई एजेंडा है, ये एजेंडा आप क्या कहे, आप लोगों के अंदर बर्दाश्त नहीं है, तहमुल नहीं है। दुनिया में कोई निजाम कोई नजरिया ऐसा नहीं है जिस पर तनकीद नहीं होती, मगर मुसलमान ही वो ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा दर्द होती है, बहुत तकलीफ होती है, जिनके दांत खट्टे हो जाते हैं, जिनको जिनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू होते हैं, मुंह से थूक निकलने शुरू होता है, वो लोगों को जलाने पर राजी हो जाते हैं। पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग जो पिछले कितने अरसे से हो रही है किसने की है, वो पक्के मुसलमानों ने, आशिकाने रसूल ने की है, रसूल के नाम पे की है,
रसूल अल्लाह को तो कब्र में खड़े हो जाना चाहिए था उठ के कि यार मेरे नाम पे तुम लोगों को ऐसे मार रहे हो, मगर रसूल अल्लाह को तो नहीं आया ना, कोई मौजजा हो जाना चाहिए था मक्के मदीने में या पाकिस्तान के अंदर के, देखो मेरे नाम पे लोगों को ऐसे ना मारो, मगर नहीं, मुसलमानों को तो शर्म आई नहीं, तो फिर ये क्या हुआ? ठीक है, सही है, तो ये बातें हैं भैया। अब आपने पिछली बार भी यही बात की थी, अब मैं, मेरे ख्याल है फिर मैं आगे चलता हूँ, कोई बात और नहीं है, ठीक है, पिछली बार भी यही बात कर दूं मैं, मेरे भाई बात और भी है जी, सब्सटेंशियल सर करें बात। मैं भाई हसन अब्बास, देखिए आपने जो बात की ना, मैं उसको, ये बड़ा रिपेटिटिव रिकरेंट क्वेश्चन है और मैं इसको कोशिश करता हूँ कि एक दो मिनट में समेट दूं। आपने ये बात की कि कुरान पर बात ना की जाए और खुदा के ऊपर बात की जाए, ठीक है। देखिए रिलीजन की इरेशनैलिटी को पॉइंट आउट करने के दो रास्ते मौजूद हैं। एक ये है कि जो आपकी जो स्क्रिप्चर्स की किताब है कुरान, उसके अंदर जो लॉजिकल फैलसीज हैं, जो गलत बातें हैं, जो फैक्चुअली गलत बातें हैं, उनको पॉइंट आउट करके आप ये एस्टेब्लिश करते हैं कि ये इसका जो राइटर है ये इंसान हो सकता है जिसकी लिमिटेड नॉलेज है, वो जो इसका क्लेम है कि इसका कोई लिखारी कोई ऐसी हस्ती है जिसके पास पूरा क्या कहते हैं कायनात का इल्म है, वो क्लेम डिस्पोज ऑफ हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो रिलीजन को इरेशनल साबित करने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप गॉड से शुरू हो और गॉड के अंदर यकीन रखना, किसी भी क्रिएटर के अंदर यकीन रखना जो इरेशनल है और ऑब्जर्वेशन के तहत वो अलाइन नहीं होता और रैशनल मयारात पर पूरा नहीं उतरता, वहां से आप गॉड के कॉन्सेप्ट को डिस्पोज ऑफ करें और फिर सारे रिलीजन्स जो हैं वो उसके तहत इरेशनल डिक्लेयर हो जाएं। दोनों रास्ते हैं, हम दोनों रास्ते लेते हैं। आपको ये बात कर दूं कि बहुत सारे जो उलमाए कराम हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो अक्सर ये बात करते हैं कि हम कुरान पर बात नहीं करना चाहते। गालिब ने यहां तक कह दिया हुआ है कि इंजीनियर मिर्जा अगर मुल्हिदीन से कुरान पर बात नहीं करना चाहते तो पहले खुदा के वजूद पर बात कर लें। ओपनली गालिब ने कई बार इंजीनियर मिर्जा साहब से ये कहा है कि अगर आप कुरान को साइड पर रखकर सिर्फ कुरान के वजूद, वो खुदा के वजूद पर बात करना चाहते हैं तो उस पर बात कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुरान पर भी बात होगी, ठीक है। तो ये टू वे ट्रैफिक है, रिलीजन को इरेशनल एस्टैब्लिश करना ना, वो टू वे ट्रैफिक है। आप उनके स्क्रिप्चरल सोर्स के अंदर से प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके रिलीजन की इरेशनलिटी को एक्सपोज कर सकते हैं, आप गॉड के कॉन्सेप्ट को इरेशनल साबित करके बाकी सारी रिलीजन्स को इन वन गो कर सकते हैं, और ये दोनों ही बातें होती हैं और ये कई बार हो चुकी है। और एक और बड़ी आयरोनिक बात है इनके स्टैंड में, जो कि फाइनली मैं प्लग कर देता हूँ, वो होल इन्होंने कहा यही बात के अगर बिलीव नहीं करते तो बात क्यों है। तो मेरे भाई आप मुसलमान हैं दर से, तो क्या आप कृष्णा या राम पे बिलीव करते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं करते। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदुइज्म गलत है? तो जो आप हमसे डिमांड पहले कर रहे हैं कि हम पहले अगर मानते नहीं है तो बुरा भला क्यों कह रहे हैं या उसे गलत क्यों कह रहे हैं, तो पहले तो आप हमें ये बताइएगा, या जितने भी लोग इस लाइन ऑफ थॉट को या इस रीजनिंग को अपनाने की कोशिश करते हैं, कि फिर आप कैसे, अगर आप या तो जीसस पे बात नहीं करते तो फिर क्रिश्चियनिटी भी बात ना करें, और इसी तरह हिंदुइज्म के गॉड को नहीं मानते तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हिंदुइज्म गलत है, दैट्स इट। अच्छा हाजी भाई सॉरी मैंने आपको कट कर दिया था, असल में मेरे लिए भी आज ना मॉडरेट करना काफी मुश्किल हुआ है, तो आई एम सॉरी अगर किसी को ये लगा कि मैंने उसे कट किया। हाजी भाई सॉरी, प्लीज बात करें। नहीं बस मैंने कहा कि अब अगले कॉलर पे चलते हैं, मेरा ख्याल इस बात पे इनके साथ, क्योंकि ये दोबारा सेम टॉपिक पे हमारी बात हो चुकी है, पहले ही हुई थी लास्ट टाइम, पहले भी हुई थी, तो इसलिए मेरा ख्याल, और हमें कॉलर्स का टाइम मुकर्रर कर लेना चाहिए ताकि उसके बाद फौरी तौर पे हम नए वाले पे जाए, कितने लोग बेचारे लाइन में बैठे होंगे जो बात करना चाह रहे होंगे। अच्छा चलिए ठीक है सर, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं, पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।